हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग JCERT क्लास 7 का मैथ सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 10.1। तो देखिए, 5 नंबर और 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी वीडियो देख सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सीमा 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद ₹72 ब्याज के रूप में देती है, बताइए उसने कितना धन उधार लिया था। तो देखिए, सीमा एक लड़की का नाम है जो 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के बाद ₹72 देती है, यानी कि बैंक को या फिर जहां से ली थी वहां वो ₹72 देती है। तो बताना है कि उसने उधार कितना लिया था, यानी कि हम लोगों को मूलधन बताना है यहाँ पर। तो देखिए, हमारे पास दर है, ओके, जो दिया हुआ रहता है पहले उसको लिख लेते हैं, दर बराबर 8%। उसके बाद फिर यहाँ पर साधारण ब्याज भी है, या फिर आप बस ब्याज लिखिए, ब्याज बराबर ₹72 दिया हुआ है, और फिर समय भी दिया हुआ है, समय बराबर 3 वर्ष। तो देखिए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ होता है, बस समझना पड़ता है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए, साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज ₹72। तो साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे और फिर हम लोग निकालेंगे मूलधन, उसने कितना उधार लिया था। तो यहां पर चलिए मैं मूलधन भी लिख देता हूं, मूल धन बराबर क्वेश्चन मार्क, मूलधन निकालना है तो हम लोग साधारण ब्याज से मूलधन निकालेंगे। साधारण ब्याज ₹72 दिया हुआ है, इसलिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखते हैं, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अब देखिए, हम लोगों को मूलधन निकालना है, तो मूलधन को हम लोग इधर पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। मूलधन का भी मूलधन ही लिखते हैं, मूलधन गुना समय, समय बराबर आप देख सकते हैं 3 वर्ष दिया हुआ है, 3 गुना दर, दर बराबर 8% दिया हुआ है, बटे 100। अब यहाँ पर साधारण ब्याज देखिए ₹72 दिया हुआ है, ₹72। अब हम लोग क्या करेंगे, मूलधन को इधर ही रहने देते हैं, मूलधन अब यहाँ पर गुना करते हैं 8 + 3 = 24, 24 मूलधन के बीच में गुना है, तो 24 को हम लोग इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले ₹72 लिख लेते हैं, ₹72 देखिए 8 + 3 = 24, तो यहाँ पर 24 नीचे हो जाएगा, 24 को हम लोग बराबर का दूसरा साइड लाए हैं, इसलिए यहाँ पर भाग हो गया है। अब देखिए, 100 और मूलधन के बीच में भाग है, तो 100 को बराबर का उल्टा साइड लाएंगे तो गुना हो जाएगा, गुना 100। अब सॉल्व करते हैं इसको, मूलधन आराम से निकल जाएगा, हम लोग इसको काटते हैं 8 से, 8 + 3 = 24, 8 × 9 = 72। अब फिर से कटेगा 3 से, 3 × 1 = 3, ओके, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। इस तरीके से हमारे पास 3 × 100 बच गया है। अब इसको लिखते हैं 3 × 100 बराबर, यहां पर देखिए मूल धन 100 + 300 बराबर मूल धन। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है 300। अतः मूलधन बराबर ₹300, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप मैथ आपको समझ में आया होगा, बस साधारण ब्याज का फॉर्मूला पुट करना है और फिर लेफ्ट राइट करना है सब वैल्यू को, और देखना है कि साइन कैसे चेंज हो रहा है, बाकी सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वार्षिक ब्याज की दर से ₹500 तीन वर्ष के बाद 605 हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों को दर निकालना है, ओके, किस वार्षिक दर से ₹500 बढ़कर 605 हो जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन देखिए 500 दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है पहले वो सबको लिख लेते हैं, मूल धन बराबर ₹500। अब देखिए ₹500, और समय यहाँ पर 3 वर्ष है, समय बराबर 3 वर्ष, और 605 जो है ये हमारा मिश्र धन है, यहाँ पर मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है, तो इसको बोलते हैं मिश्र धन, मिश्र धन बराबर ₹605। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ब्याज निकाल लेते हैं कि एक्चुअल में ब्याज कितना मिला है, तो चलिए लिखते हैं ब्याज, ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मिश्र धन, मिश्र धन माइनस मूल धन, मूल धन, मिश्र धन हमारे पास ₹605 है और मूल धन
500 है। 605 में अगर हम लोग 500 माइनस करेंगे तो टोटल हमारे पास बचेगा 105 रुपया। तो इस तरीके से 105 रुपया हमारा ब्याज मिला है। तो हम लोगों को दर निकालना है। तो चलिए हम लोग देखिए, साधारण ब्याज के वाले हम लोग निकाल चुके हैं, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला ही लिखेंगे यहाँ पर। तो आप डायरेक्ट दर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो सब अलग से फॉर्मूला याद करना पड़ता है, इसलिए मैंने साधारण ब्याज से ही सब निकाला है। तो चलिए मैं साधारण ब्याज यूज करता हूँ, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अब इसको सोल्व करते हैं। मूलधन देखिए कितना है, 500 रुपया। तो यहाँ पर मूलधन में हम लोग 500 लिखते हैं, गुना समय हमारे पास 3 वर्ष है, गुना दर तो हम लोगों को निकालना है, इसलिए दर को दर ही लिखना है। अब यहाँ पर बटे 100 है, तो बटे 100 लिखते हैं। अब 100 × 100, 125, 500। अब देखिए साधारण ब्याज के नीचे साधारण ब्याज दिया हम लोग अभी निकाले हैं 105 रुपया। अब देखिए दर यहाँ पर है, तो हम लोग दर को इधर दर ही रहने देते हैं। अब गुना करते हैं, 5 × 3 = 15, देखिए 15, ओके 15 और दर के बीच में गुना है, तो 15 को इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो 105 / 15। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको काटते हैं 15 × 15, 15 × 7 = 105। तो इस तरीके से 7 = दर, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः दर बराबर 7%। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप मैथ आपको समझ में आया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कितने वर्षों में ₹250 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 330 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को समय निकालना है। पिछले क्वेश्चन 6 नंबर में हमने दर निकाला था, यहाँ पर समय निकालना है। तो देखिए जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए 250 ये हमारा मूलधन है, मूल धन बराबर 250 रुपया। अब दर बराबर देखिए 8% है, दर बराबर 8% वार्षिक दर है। अब देखिए यहाँ पर 330 यहाँ पर दिया हुआ, यह हमारा मिश्र धन है, तो इसको लिखना है मिश्र धन बराबर 330 रुपया। मिश्र धन कहने का मतलब मूलधन और ब्याज दोनों शामिल रहते हैं, उसको हम लोग मिश्र धन कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग टोटल ब्याज निकालेंगे कि ब्याज कितना मिला है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मूलधन मिश्र धन हमारे पास 330 है, माइनस मूलधन हमारे पास 250 है। अब 330 में 250 में लोग माइनस करेंगे तो 80 बचेगा, 80 रुपया हमारा ब्याज है, ओके। अब देखिए ब्याज हम लोग निकाल चुके हैं 80 रुपया, ये साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद वहां से हम लोग समय निकाल लेंगे। तो चलिए मैं लिखता हूं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 बराबर मूलधन देखिए 250 है, 250 गुना समय तो निकालना है हम लोगों को, समय को समय ही रहने देते हैं, फिर गुना। अब देखिए दर 8% वार्षिक है, 8% बटे फॉर्मूला में 100 तो रहता है, इसलिए 100 लिखना पड़ेगा। अब 10 ऊपर 10 नीचे काट देते हैं। अब हम लोग 25 को 8 से गुना कर देते हैं, तो चलिए 8 × 25 = 40, 8 × 2 = 16 और 4 = 20, 200 हो गया गुना समय बट्टे यहां पर देखिए 100 है। अब देखिए 10 ऊपर 10 नीचे कट जाएगा, तो इस तरीके से हमारे पास बचेगा 20 गुना समय बटे 1, और 1 नीचे है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ओके। अब देखिए साधारण ब्याज इधर हमने नहीं लिखा है कुछ भी, साधारण ब्याज लिखना है 80 रुपया है, 80 रुपया, तो यहां पर भी 80 देना है। अब यहां पर देखिए 20 को हम लोग इधर लाएंगे, तो 20 और समय के बीच में गुना है, तो 20 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 80/20 बराबर समय। अब इसको काट देते हैं हम लोग, 20 × 20, 20 × 80, तो इस तरीके से 4 = समय। तो फाइनली आंसर आ चुका है हमारा, अतः समय
बराबर 4 वर्ष, ये हो गया हमारा आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए, आई होप मैथ समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कितने वर्षों में रुपया 400 पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 112 रुपया हो जाएगा। तो यहां पर देखिए मूलधन हमारे पास दिया हुआ है 400 रुपया और दर दिया हुआ है 14 और यहां पर ब्याज दिया हुआ है 112 रुपया। तो हम लोगों को यहां पर समय निकालना है, तो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए मूलधन 400 दिया हुआ है, मूल धन बराबर 400 रुपया, फिर दर, दर बराबर 14% वार्षिक दिया हुआ है और फिर देखिए ब्याज दिया हुआ है 112 रुपया। तो इसको भी लिखना है ब्याज बराबर 112 रुपया। अब यहां पर समय बराबर क्वेश्चन मार्क, समय बराबर क्वेश्चन मतलब समय निकालना है। तो यहां पर हम लोग देखिए साधारण ब्याज दिया हुआ है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, निकल जाएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 बराबर, देखिए साधारण ब्याज हमारे पास 112 रुपया है तो 112 यहां लिखना है। उसके बाद मूलधन हमारे पास यहां पर देखिए 400 है तो मूलधन 400 गुना समय, तो हम लोगों को निकालना है तो समय को समय ही रहने देते हैं, गुना दर देखिए 14% वार्षिक दिया हुआ है बटे 100। अब देखिए 100 एका 100, 100 चौके 400। अब हम लोग 14 को 4 से गुना कर देते हैं, 14 चौके 56 गुना यहां पर देखिए समय, तो समय लिखना है और इधर 112। अब 56 को बराबर का इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, अभी तक समझ ही गए होंगे क्योंकि इधर गुना है तो 56 इधर आकर भाग हो जाएगा 112 भागा 56 और इधर लिखना है समय। अब इसको भाग देते हैं हम लोग, तो देखिए इसको 4 से काट लेते हैं, 4 का 4 और यहाँ पर 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 दूना 8 3 बचेगा तो इधर 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32। अब 14 यहाँ पर देखिए 14 नीचे है ऊपर 28 है, 14 एका 14 और यहाँ पर 14 दूना 28, तो इस तरीके से समय बराबर 2 आया है, तो इसको लिखना है 2 बराबर समय, अतः समय बराबर 2 वर्ष, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप ये मैथ भी आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहां से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।